नमस्कार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित ब्रेक सिस्टम पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए आज आपको ब्रेक सिस्टम के बारे में, उसका परिचय क्या है, ब्रेक सिस्टम का, ब्रेक सिस्टम क्यों लगाया जाता है, ब्रेक सिस्टम के उद्देश्य क्या हैं, ब्रेक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम ABS का प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ब्रेक सिस्टम मोटर गाड़ी में जिस तरीके से कोई गतिशील वस्तु जो स्थिर करनी होती है उसके ऊपर जब तक के कोई रोकने के लिए कोई विधि नहीं अपनाई जाती है तब तक वो नहीं रुकती है। रोकने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे ब्रेक कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारा वाहन भी एक गतिशील मशीन है जिसको कि इंजन द्वारा पावर से चलाया जाता है, उसको रोकने के लिए ब्रेक की व्यवस्था की जाती है। चालक की आवश्यकता अनुसार उसे धीमा करने, रोकने अथवा रोक करके रखने के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है वो चालक कंपार्टमेंट्स में ब्रेक पैडल के रूप में और इसके अलावा वाहन के सभी पहियों में जो व्यवस्था दी जाती है जिससे वाहन को रोका जाए, ये ब्रेक सिस्टम कहलाता है। ब्रेक सिस्टम का लगाने का उद्देश्य जिससे कि चालक की आवश्यकता अनुसार वाहन को धीमा किया जा सके, क्योंकि कोई भी वाहन जब रोड पे चलता है तो हमेशा एक गति में या स्थिर बराबर एक सीधी रेखा में नहीं चल सकता है। उसके कभी धीमा करना पड़ता है, कभी रोकना पड़ता है, कभी रोक करके रखना पड़ता है। तो इन सारे कार्यों की पूर्ति के लिए ब्रेक सिस्टम वाहन में लगाया जाता है। ब्रेक सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, एयर प्रेशर ब्रेक है, वैक्यूम ब्रेक है और कई तरीके के ब्रेक्स होते हैं जिनके बारे में आज विशेष रूप से हम हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में वार्ता करेंगे, जिनके अंतर्गत अब आजकल के आधुनिक युग के वाहनों में एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह वाहन का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण घटकों में से एक है। जिस तरीके से वाहन को चलाया जाता है इंजन के द्वारा, उसकी शक्ति गियरबॉक्स तक जाती है, जिसकी शक्ति को जोड़ने और जोड़ने के लिए क्लच की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट है, जो एक्सल है उनके द्वारा पहियों तक के ताकत जो शक्ति इंजन की जाती है उससे हमारा वाहन चलता है। वाहन को रोकने के लिए अगले पहियों और पिछले पहियों, वाहन में जितने भी पहिए होते हैं सभी पहियों में ब्रेक की व्यवस्था की जाती है। यह सिस्टम वाहन को रोकने के लिए सभी पहियों में प्रयोग किया जाता है, चाहे अगर आपका फोर व्हीलर है तो फ्रंट व्हील में और रियर व्हील में, थ्री व्हीलर है तो अगले एक पहिए में, पिछले दोनों पहियों में लगाया जाता है। इसका जो ब्रेक पैडल और ब्रेक लीवर होता है वो चालक कंपार्टमेंट में लगा होता है। ऑपरेटिंग के हिसाब से दो तरीके के होते हैं, पैर द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले ब्रेक और हाथ से ऑपरेट किए जाने वाले ब्रेक। ये जो हाथ से लीवर ऑपरेट किया जाता है ये मैकेनिकल ब्रेक में खास करके इसका उपयोग पार्किंग ब्रेक के लिए किया जाता है। इस ब्रेक लीवर को उस समय भी इस्तेमाल किया जाता है जब अगर हमारा ब्रेक सिस्टम पूरा फेल होने की स्थिति में आ जाता है, उस स्थिति में भी हम ये चालक इस कंपार्टमेंट में लगे लीवर के द्वारा वाहन को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है। ब्रेक पैडल को पैर के द्वारा और ब्रेक लीवर को हाथ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये ब्रेक जो है दो तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो ड्रम ब्रेक हैं और दूसरे डिस्क ब्रेक। ड्रम ब्रेक वह ब्रेक होते हैं जिनमें ब्रेक लाइनिंग या ब्रेक शू के बाहर बाहर एक ड्रम रहता है, वो घूमता रहता है, जिसको कि इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक जो अंदर से फैल करके उनको उनके ब्रेक लाइनिंग उनको चिपक लेती है उनमें और उसको घूमने से रोक देती है। ब्रेक ड्रम के ऊपर ही हमारा पहिया बंधा होता है जिससे कि
पहिया भी घूमना बंद हो जाता है और वाहन रुक जाता है। उसी तरीके के जो ये डिस्क ब्रेक हैं, इनको इनके ऊपर कैलिपर फिट किए जाते हैं जिनमें कि डिस्क पैड लगे रहते हैं और वो डिस्क रोटर को घूमने से रोक देते हैं। डिस्क रोटर हमारा लगा होता है एक्सल के ऊपर, डिस्क रोटर घूमने से रुकता है तो हमारा जो है पहिया भी रुक जाता है और वाहन नियंत्रित होकर के वहीं पर रुक जाता है। उद्देश्य क्या है ब्रेक सिस्टम का जो वाहनों में लगाया जाता है? उसका उद्देश्य वाहन की गति को कम करने, जिस स्थिति स्पीड में हम जा रहे होते हैं उस स्पीड में हमेशा नहीं चला जा सकता, खराब रास्ता हो सकता है या आगे कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई वाहन आ सकता है या मोड़ हो सकता है, तो हमें स्पीड को कम करना पड़ता है। उस स्थिति में ब्रेक पैडल को थोड़ा दबाया जाता है जिससे गति कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। पूरी तरीके से रोकने के लिए हमें वहाँ पे वाहन को खड़ा करना है, उसके लिए हम पूरी तरीके से रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो पॉइंट बात होती है वाहन को ढलान पर रोके रखने के लिए, ढलान का मतलब जब भी हमें वाहन को स्थिर रूप से खड़ा करना होता है जहाँ पर कि चालक हो सकता है वाहन से बाहर निकल करके जाए, जो ड्राइवर है वो अपनी सीट पर न बैठा हो, इंजन चालू हालत में हो, उस समय भी हम पार्किंग ब्रेक के रूप में उसको रोक करके रख सकते हैं जिससे वाहन हमारा आगे पीछे की तरफ नहीं जाता है। आपातकाल स्थिति में वाहन को न्यूनतम संभव दूरी पर रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ब्रेक सिस्टम का, वो ये होता है कि वाहन को हम किस तरीके से कम दूरी पर संभव दूरी पर रोक सकें, इसलिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक सिस्टम जो वाहनों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो मुख्यतः मैकेनिकल ब्रेक के रूप में, हाइड्रोलिक ब्रेक के रूप में, वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक के होते हैं और एयर ब्रेक होते हैं। मैकेनिकल ब्रेक वह ब्रेक होते हैं जिनमें चालक पैडल पर जब पावर का इस्तेमाल करता है, शक्ति लगाता है ब्रेक को लगाने के लिए, तो लिंकेज के द्वारा, वायर के द्वारा, फलक्रम के माध्यम से जो शक्ति पहियों तक ब्रेक को रोकने के लिए जाती है उसे मैकेनिकल ब्रेक कहते हैं। मैकेनिकल ब्रेक में ब्रेक पैडल होता है, ब्रेक लिंकेज होते हैं, ब्रेक लिंकेज के माध्यम से जो पहिया होता है उसमें लगा हुआ कैम घूमता है, कैम के घूमने से उसके ऊपर रेस्ट कर रहे जो ब्रेक शू होते हैं वो बाहर की तरफ फैल जाते हैं, फैल करके ब्रेक ड्रम को घूमने से रोक देते हैं और पहिया हमारा रुक जाता है। दूसरा सिस्टम हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि चालक के द्वारा पैडल पर प्रेशर देने से, दबाव देने से ये फ्लूइड मास्टर सिलेंडर के द्वारा पिछले पहियों तक, अगले पहियों तक, सारे पहियों तक पाइपलाइंस के माध्यम से जाता है, वहाँ पे लगे व्हील सिलेंडर के पिस्टन को बाहर की तरफ फैलाता है जिससे उसके ऊपर रेस्ट कर रहे ब्रेक शू फैल जाते हैं और ड्रम रुक जाता है। वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक ये वो ब्रेक होते हैं जिनमें एग्जास्टर के द्वारा वैक्यूम बनाया जाता है अथवा जो इनटेक मैनिफोल्ड का इनटेक मैनिफोल्ड होता है उसमें से जो वैक्यूम बनता है वहाँ पर, उस वैक्यूम का इस्तेमाल इन ब्रेकों में, वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक में किया जाता है जिससे कि हमें पायर चालक के द्वारा पैर से लगाई गई शक्ति के अतिरिक्त सहायक के रूप में हमको पावर मिल जाती है, वैक्यूम का पावर मिल जाता है जिससे कि ब्रेक आसानी से लग जाते हैं, कम शक्ति लगा करके ज़्यादा अच्छे ब्रेक पाए जाते हैं। अगला ब्रेक है हमारा एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में मैकेनिकल ब्रेक की तरीके से लिंकेजेस नहीं जाते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक की तरीके से फ्लूइड को सारे पहियों तक नहीं भेजा जाता है। एयर ब्रेक सिस्टम में एयर का इस्तेमाल, हवा का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हवा को कंप्रेसर के द्वारा, एयर कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस करके
एयर सिलेंडर होता है, टैंक होता है, रिजर्वायर टैंक जिसे बोलते हैं, उसमें भरा जाता है, जिसका कि प्रेशर 7.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक के हो सकता है। साथ साथ में एक गवर्नर लगाया जाता है और चेक वाल्व लगी रहती हैं जो कि एयर प्रेशर का अधिक होने पर उनको रिलीज करती रहती हैं वातावरण में। और जब ब्रेक पैडल ऑपरेट किया जाता है उस समय ब्रेक जो पैडल है उसके नीचे लगा हुआ वाल्व होता है, ब्रेक वाल्व, जो कि ऑपरेट होकर के जो एयर टैंक में भरा हुआ प्रेशर है उसको पहियों के लिए भेजता है। पाइपलाइन के माध्यम से एयर प्रेशर जाता है और वहाँ पर लगे हुए ब्रेक चैम्बर्स, जो अलग अलग सभी पहियों में लगे हुए ब्रेक चैम्बर्स होते हैं, उन पे वो दबाव डालता है जिससे कि उससे अटैच हमारा स्लैक एडजस्टर होते हैं वो मूव करते हैं। स्लैक एडजस्टर पर लगे हुए शाफ्ट जिस पे कि एस कैम लगी रहती है वो घूमती है और वो एस कैम ब्रेक शूज को बाहर की तरफ फैलाती है जिससे शू की लाइनिंग ब्रेक ड्रम से के साथ रगड़ करके और वाहन को रोक देती है। अभी आज हम आपको हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आखिर है क्या चीज, ये कैसे काम करता है, किन वाहनों में लगाया जाता है। वे ब्रेक जो हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेकिंग सिस्टम पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल का सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जिसमें यदि स्थिर द्रव पर किसी बंद कंटेनर में स्थिर द्रव पर यदि कोई दबाव डाला जाता है, कोई प्रेशर लगाया जाता है, तो वो सभी दिशाओं में समान लगता है। इस आधार पर ये हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक बनाए जाते हैं जिससे कि प्रेशर तो मास्टर सिलेंडर लगाता है जो कि ब्रेक पैडल के पास में ही लगा रहता है, लेकिन उसके जो पाइपलाइंस सभी पहियों तक के जाते हैं उन पाइपलाइंस से प्रेशर सारे पहियों तक बराबर प्रत्येक पहिए में, चाहे वो ब्रेक सिस्टम पैडल के पास का पहिया हो और चाहे सबसे ज़्यादा दूरी का पहिया हो, जो व्हील सिलेंडर है वहाँ पर उसका प्रेशर बराबर लगता है जिससे कि पिस्टन बाहर की तरफ निकलते हैं और उस ब्रेक शू को बाहर की तरफ फैलाते हैं जिससे ब्रेक शू ब्रेक ड्रम में रगड़ करके चलने लगते हैं और ब्रेक ड्रम को रोक देते हैं जिससे पहिया हमारा रुक जाता है। जब ब्रेक पैडल को दबाया जाता है तो पुश रॉड मास्टर सिलेंडर में पिस्टन पर बल लगाता है। जो पुश रॉड है वो अटैच होता है ब्रेक पैडल से, उसके बाद जो मास्टर सिलेंडर है उसमें लगा होता है पिस्टन, उस पिस्टन के ऊपर वो पुश रॉड अपनी शक्ति लगाता है। कंपनसेटिंग पोर्ट के रास्ते से आए हुए ब्रेक फ्लूड को पिस्टन द्वारा प्रेशर के साथ व्हील सिलेंडर में भेजा जाता है। अभी हम आगे मास्टर सिलेंडर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जिसमें इसके बारे में बताएंगे। दो पोर्ट होते हैं, एक मेन पोर्ट होता है और एक कंपनसेटिंग पोर्ट होता है। कंपनसेटिंग पोर्ट से जो ब्रेक फ्लूड पिस्टन के आगे भरा रहता है उस ब्रेक फ्लूड पे पैडल के द्वारा जो ताकत लगाई जाती है, जो शक्ति लगाई जाती है, वो पुश रॉड के माध्यम से ब्रेक के जो पिस्टन होता है मास्टर सिलेंडर का उसके ऊपर वो दबाव डालता है और पिस्टन आगे की तरफ बढ़ता है। पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम के दबाव के परिणाम स्वरूप पहियों के व्हील सिलेंडर या कैलीपर, ड्रम या डिस्क को पकड़ते हैं जिससे कि ब्रेक लग जाते हैं। आजकल जो हमारे फोर व्हीलर वाहन हैं उनमें भी, टू व्हीलर वाहन में भी, अधिकांशतः जो फ्रंट व्हील के ब्रेक होते हैं वो डिस्क ब्रेक और रियर व्हील के ब्रेक जो होते हैं वो ड्रम ब्रेक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब ये हाइड्रोलिक प्रेशर मास्टर सिलेंडर के द्वारा आगे की तरफ भेजा जाता है उस स्थिति में वो चाहे व्हील सिलेंडर हो और चाहे कैलीपर हो, उन दोनों पर अपना दबाव डालता है जिससे कि व्हील सिलेंडर के पिस्टन बाहर की तरफ निकल करके उस पर रेस्ट कर रहे ब्रेक शू को बाहर की तरफ फैलाते हैं जिससे उसके ऊपर लगी हुई लाइनिंग ब्रेक
ड्रम के साथ रगड़ करके उसको रोकती है, घूमने से रोकती है। दूसरा जो डिस्क ब्रेक है उनमें लगे हुए पिस्टन, डिस्क ब्रेक में भी कैलिपर के अंदर पिस्टन लगे रहते हैं, उन पिस्टन के ऊपर डिस्क पैड लगे रहते हैं। डिस्क पैड और डिस्क रोटर के मध्य बिल्कुल थोड़ी सी जगह गैप क्लियरेंस के रूप में छोड़ा जाता है, जिसको कि जब प्रेशर आता है और पिस्टन प्रेशर के साथ डिस्क पैड को आगे की तरफ बढ़ाता है तो दूसरी तरफ का कैलिपर भी बढ़ करके दोनों तरफ के डिस्क पैड उस डिस्क रूटर को जो एक्सल के साथ फिट होता है उसको घूमने से रोक देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा ब्रेक लग जाता है। ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक के जो विभिन्न पार्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये हमारा ब्रेक पैडल है जिसके ऊपर चालक के पैर से इस पर ताकत लगाई जाती है, उस शक्ति के द्वारा जब ब्रेक को में वाहन को रोकना होता है, जैसे इसके ऊपर चालक पावर लगाता है ये जो पुश रॉड इसके साथ साथ में लगा हुआ है वो आगे की तरफ बढ़ता है। कुछ ब्रेक्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वैक्यूम के लिए, उसमें वैक्यूम बूस्टर भी इसके साथ में यहाँ पर अटैच किया जाता है। बाकी नॉर्मली जो कम स्पीड वाले ब्रेक होते हैं, पहिए वाहन होते हैं, उनमें सीधे सीधे हमारा ये मास्टर सिलेंडर यहाँ पर लगा दिया जाता है। मास्टर सिलेंडर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल मास्टर सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक पिस्टन इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा हमारा टंडम मास्टर सिलेंडर होता है जिसमें दो पिस्टन इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों पिस्टनों का जो पहला वाला पिस्टन है उससे जो निकल करके फ्लूइड जाता है वो पिछले पहियों के लिए जाता है, और जो दूसरा वाला है उससे अगले पहियों के लिए फ्लूइड का प्रेशर जाता है। मास्टर सिलेंडर में एक ये रिजर्वायर होता है जिसमें कि ब्रेक फ्लूइड को भरा जाता है। यहाँ से जो ही ये ब्रेक पैडल दबता है पुश रॉड आगे की तरफ बढ़ता है तो इसके पिस्टन देखिए दोनों पाइपलाइंस ये जा रही हैं, यहाँ से स्टील की भी हो सकती हैं और ये कॉपर की भी हो सकती हैं, यूनियन के माध्यम से ये जाती हैं पहियों को, पहियों में लगे हुए व्हील सिलेंडर पे अपना ये प्रेशर डालती है। उसी तरीके से जो हमारा डिस्क ब्रेक होता है उसके लिए भी ये पहिए तक के जाता है ब्रेक का प्रेशर, और जो कैलीपर है उस कैलीपर में जो पिस्टन है उनके ऊपर ये प्रेशर डालता है। ये हमारा पूरा का पूरा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का एक चित्र दिया हुआ है जिनके माध्यम से हम हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। पहला है हमारा ब्रेक पैडल, दूसरा भाग है पुश रॉड, तीसरा ब्रेक बूस्टर, मास्टर सिलेंडर, ब्रेक पाइपलाइन, व्हील सिलेंडर, ब्रेक कैलीपर और ब्रेक ड्रम। इतने जो पार्ट्स होते हैं ये मुख्य पार्ट होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के। आगे चलते हैं ब्रेक पैडल। चालक वाहन को रोकने के लिए ब्रेक पैडल पर पैर से दबाव डालता है। जो ब्रेक सिस्टम का पहला पार्ट होता है वो चालक कंपार्टमेंट में जहाँ पे चालक बैठता है उस ड्राइवर सीट के नीचे उसके सामने ही स्टीयरिंग के से नीचे की तरफ लगा रहता है, जहाँ पर तीन पैडल इस्तेमाल होते हैं वाहनों में आमतौर से, एक एक्सेलेरेटर पैडल होता है, एक ब्रेक पैडल होता है और एक क्लच पैडल होता है। एक्सेलेरेटर से वाहन को की गति को बढ़ाया जाता है या उसको छोड़ देने पर वाहन की गति कंट्रोल हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा ब्रेक पैडल होता है, तो ये दोनों पैडल चाहे ब्रेक पैडल हो चाहे एक्सेलेरेटर पैडल हो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जो एक्सेलेरेटर पैडल है उसके जरिए वाहन को गति प्रदान की जाती है और जो ब्रेक पैडल है उसके जरिए वाहन की गति को धीमा करने के लिए रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वाहनों में दाहिने पैर से इन दोनों पैडलों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा भाग हमारा पुश रॉड है, ब्रेक पैडल पर दबाव लगने से पुश रॉड आगे बढ़ करके ब्रेक बूस्टर को क्रियाशील करता है, उसको चालू करता है। ब्रेक बूस्टर तीसरा पार्ट जो हमारा ब्रेक बूस्टर है ये तो एक सीधे एक सिंपल रॉड होता है जो ब्रेक पैडल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और आगे की तरफ वो बढ़ जाता है, लेकिन इससे जो फ्री प्ले है वो एडजस्ट की जाती है। ब्रेक जो पुश रॉड है पुश रॉड में एक एडजस्टिंग नट लगा रहता है, लॉक नट लगा रहता है, जिसको खोल करके हम
उस राड के माध्यम से जो ब्रेक का फ्री प्ले है होता है उसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं। तीसरा पार्ट हमारा ब्रेक बूस्टर है। चालक के द्वारा लगाए गए पैडल प्रयास की मात्रा के अनुसार मास्टर सिलेंडर पर काम करने वाले बल को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ब्रेक बूस्टर है ये इंटेक मैनिफोल्ड से, इसका पाइप यहाँ से लगा रहता है जो कि इंटेक मैनिफोल्ड से आता है, ये पुसराड है। जो ही ब्रेक पैडल को दबाया जाता है तो इसमें वाल्व जो होती है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो वाल्व बंद हो जाती है और ये इंटेक से जो सक्शन है वो वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट होता है। वैक्यूम के क्रिएट होने से इसके अंदर लगा हुआ डायफ्राम आगे की तरफ बढ़ता है जिससे इस पुश राड को वो सहायक के रूप में कार्य करता है। इसके आगे यहाँ पर मास्टर सिलेंडर फिट किया जाता है और वो कार्य करता है मास्टर सिलेंडर, जिससे कि मास्टर सिलेंडर ब्रेक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि कार्य करता है पिचकारी के तरीके से। अब हम मास्टर सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। मास्टर सिलेंडर चालक के द्वारा पैडल पर लगाए गए प्रयास को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करता है। हाइड्रोलिक दबाव को आगे और पीछे ब्रेक के डिस्क ब्रेक कैलिपर और ड्रम ब्रेक के व्हील सिलेंडर पर लागू किया जाता है। ये जो हमारा मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर पर जो पुश रॉड लगा हुआ है, इस पुश रॉड के जरिए ब्रेक पैडल से जब प्रेशर दिया जाता है तो ये पुश रॉड सीधे का सीधे प्रेशर देता है पिस्टन के ऊपर और ये पिस्टन आगे बढ़ करके जो कंपनसेंटिंग पोर्ट या बाईपास पोर्ट है उससे आए हुए ब्रेक फ्लूड को जो इसके आगे भरा हुआ है उसको प्रेशराइज करता है, उसको दबाता है। उस ब्रेक फ्लूड के दबाव के कारण यहाँ पर लगा हुआ ये, इसको हम कंप्रेशन चैम्बर भी कह सकते हैं जिसमें कि पूरे के पूरे में हम फ्लूड को दबाते हैं, आगे की तरफ लगा हुआ जो चेक वाल्व है उसमें से ये प्रेशर के साथ फ्लूड निकल करके आगे की तरफ जाता है। ये जो ऊपर का सिरा है ये फ्लूड रिजर्वायर होता है जिसमें कि ब्रेक फ्लूड को भरा जाता है। उसके ऊपर कैप लगा रहता है, कैप में एक वेंट, एयर वेंट के लिए होल होता है। यदि ये होल चोक हो जाए या होल ये न रखा जाए, उस स्थिति में जब ब्रेक फ्लूड आगे की तरफ चला जाता है तो यहाँ ब्रेक फ्लूड कम पड़ता है जिसके ऊपर की वैक्यूम बनने लगता है और वैक्यूम बनने से पुनः जब आगे की के लिए जरूरत पड़ती है फ्लूड की तो यहाँ पर चूषण के कारण, वैक्यूम के कारण वो ब्रेक फ्लूड अच्छे से आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है। इसलिए बेंट होल होने से उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा बना रहता है और वो अच्छे से कंपनसेटिंग पोर्ट यानी कि बाईपास पोर्ट के द्वारा और मेन पोर्ट जो इनटेक पोर्ट होता है उन दोनों पोर्टों के जरिए ये मास्टर सिलेंडर के पार्टों को जो फ्लूड है, इसका ब्रेक फ्लूड है, वो पहुंचता रहता है। जिस समय ब्रेक फ्लूड पे प्रेशर डाला जाता है वो चेक वाल्व के माध्यम से जाता है आगे की निकल करके पहियों को तक के पहुंचता है, वहां पर व्हील सिलेंडर में कार्य करता है। उसके बारे में अभी व्हील सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। और उस स्थिति में जिस समय आगे का फ्लूड चला जाता है उस स्थिति में यहाँ पिस्टन के ऊपर जो ग्रुप खाली जगह बचती है उसमें इनटेक पोर्ट से आकर के फ्लूड रिजर्व के रूप में एकत्र हो जाता है। क्योंकि जैसे पिस्टन आगे की तरफ बढ़ता है ये जो प्राइमरी रबर कप है ये बाईपास पोर्ट को बंद कर देता है, बाईपास पोर्ट को बंद कर देता है तो इसमें जितना फ्लूड है वो तो चला गया आगे की तरफ। उसी वक्त अगर पुनः जरूरत पड़ गई, यूं ही ब्रेक पैडल को छोड़ा फिर दोबारा अगर ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर फ्लूड उपस्थित नहीं होगा और फिर दिक्कत हो जाएगी कि किस तरीके से ब्रेक तुरंत दोबारा लगाया जाए। तो जो इंटेक पोर्ट से आया हुआ पिस्टन के ऊपर जो फ्लूड भरा होता है यहाँ पर होल बने रहते हैं इसमें और जब पिस्टन पीछे की तरफ जाता है तो वो होल से इसके आगे की तरफ आकर के तुरंत तैयार हो जाता है जिसे दोबारा कार्य करने के लिए हमारा जो मास्टर सिलेंडर है तैयार है। एक ब्रेक पैडल को हमने ज्यों ही छोड़ा और दोबारा फिर से हम ब्रेक पैडल को दबा सकते हैं और वो जो मेन पोर्ट से इंटेक पोर्ट से आया हुआ जो फ्लूड है वो आगे तैयार हो जाता है जिसे दोबारा ब्रेक को लगाया जा सकता है। इसमें दो रबर कप होते हैं, ये प्राइमरी रबर कप होता है और दूसरा हमारा ये सेकेंडरी रबर कप होता है जो कि फ्लूड को पीछे की तरफ लीक होने नहीं देता है। आगे चलते हैं व्हील सिलेंडर के बारे में। जो मास्टर सिलेंडर से निकला हुआ फ्लूड होता है वो हाइड्रोलिक दबाव से युक्त फ्लूड पहियों के व्हील सिलेंडर या ब्रेक कैलिपर तक के पहुंचता है। अगला पार्ट जो है हमारा व्हील सिलेंडर या ब्रेक कैलिपर है। व्हील सिलेंडर में पिस्टन के साथ रबर कप लगाया जाता है। यह पिस्टन मास्टर सिलेंडर पिस्टन से आए हुए हाइड्रोलिक दबाव को
वृक्ष सूत तक पहुंचाता है तथा ब्रेक लाइनिंग ड्रम को रगड़ करके पहिए को घूमने से रोक देता है। यहाँ पर जो ये हमारा व्हील सिलेंडर है, इसके जो मेन पार्ट है ये देखिए रबर कप है, जो जिनके मध्य एक स्प्रिंग लगी रहती है, इनके ऊपर पिस्टन लगे रहते हैं। ये पिस्टन बाहर से जो वृक्षु हैं वो इन्हीं के ऊपर आकर के रेस्ट करते हैं। इनके ऊपर एक रबर बूट लगा दिया जाता है, दोनों तरफ एक एक करके रबर बूट लगा दिया जाता है। रबर बूट इसलिए लगा दिया जाता है कि जिससे ये ब्रेक फ्लूड में पिस्टन के ऊपर जो धूल वगैरह आती है वो इनके ऊपर ना आने पाए और पिस्टन हमेशा अच्छे से उसमें गति कर सकें, चल सकें। यहाँ पर एक जो होल होता है जिससे कि व्हील ब्रेक फ्लूड आता है, और दूसरा एक ब्लीडर स्क्रू लगा रहता है, क्योंकि इस सिस्टम में अगर एयर आ जाती है तो वो ब्रेक सिस्टम हमारा ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए एयर नहीं आनी चाहिए या आ जाए तो उसको ब्लीड करके निकाल देना चाहिए। इसके लिए ब्लीडिंग स्क्रू लगा जाता है। जब ब्रेक पैडल में अगर इस तरीके की एयर वगैरह आ जाती है तो उसको हम ब्रेक पैडल को बार बार पुश करते हैं। ब्रेक पैडल के पुश होने से प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के बाद उसके ब्लीडर स्क्रू के ऊपर ट्यूब लगा दिया जाता है, पाइप लगा दिया जाता है, और जिसके माध्यम से बॉटल में हम उसको खोलते हैं तो एयर और जो ब्रेक फ्लूड है वो दोनों बाहर की तरफ निकलते रहते हैं। जब तक उसमें बुलबुले आते रहते हैं तब तक हम उसको निकालते रहते हैं बाहर की तरफ। ये हमारा ब्रेक ड्रम है। ब्रेक ड्रम हमेशा एक्सल के ऊपर, एक्सल हब के ऊपर फिट होता है, जिससे कि वो जो ये ब्रेक शू लगे हुए हैं, मास्टर व्हील सिलेंडर लगा हुआ है, और ये ब्रेक शू रिटर्न स्प्रिंग है जिनके जरिए जो ही ब्रेक पैडल से पैर हटाया जाता है ये ब्रेक शू अपने दोनों व्हील ब्रेक शू को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जो इसके अंदर प्रेशर बना हुआ है वो पाइपलाइन से वापस मास्टर सिलेंडर में चला जाता है। ये पूरा का पूरी असेंबली हमारा जो बैक प्लेट होती है, बैक प्लेट एक्सल के ऊपर फिक्स होती है, वो घूमती नहीं है, उसी के ऊपर ये जो ब्रेक शू लगे हुए हैं ये भी नहीं घूमते हैं, और ब्रेक ड्रम जो इसके ऊपर लगा होता है वो हब के ऊपर लगा होने के कारण हब के जो बोल्ट हैं इसके अंदर फिट किए जाते हैं, इसके ऊपर घूमता रहता है। इससे बिल्कुल थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जाता है कि जिस समय ब्रेक अप्लाई किए जाएं उस समय ही ये टच करे, अन्यथा ये टच ना करे, जिससे कि ब्रेक अच्छे से काम कर सके। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम ABS। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम वो प्रणाली होती है कि आज के दौर पे जब वाहन बहुत तेजी गति से चल रहे होते हैं और जिस समय हम ब्रेक अप्लाई किया जाता है उसके कारण पहिए एकदम जाम हो जाते हैं। पहियों के जाम हो जाने से क्या होता है कि वो पहिया जो टायर है वो रोड पर रगड़ करके घिस करके और साथ साथ में फिसलने लगता है, तो वाहन हमारा अस्थिर हो जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर को नियंत्रित कर व्हील सिलेंडर और डिस्क ब्रेक को पिस्टन को रोककर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे वाहन फिसलने और अस्थिर होने से बच जाता है। इसका जो मेन पार्ट्स होते हैं वो इसमें ECU लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, दो सारे पहियों में सेंसर्स लगाए जाते हैं। वो सेंसर्स ये सेंस करते हैं कि किस पहिए को हमें कितना ज़्यादा ब्रेक फोर्स की जरूरत है, तो ब्रेक फोर्स उसको उसी तरीके से ECU के निर्देशन पर एक्चुएटर के माध्यम से दिया जाता है, और दूसरा किसी भी पहिए को ये लॉक नहीं होने देता। ये पहिए को एक सेकंड में 15 से 20 बार तक पकड़ता और छोड़ता और पकड़ता और छोड़ता है, इस तरीके से ये कार्य करता है हमारा एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। ये आज के समय में टायरों की घिसावट को बचाने के लिए, वाहन को अनियंत्रित होने के लिए, फिसलने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर सिस्टम है हमारा एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, जो कि वाहनों में प्रयुक्त किया जाता है। आज आपने ब्रेक का परिचय, कहाँ पे किस तरीके के ब्रेक लगाए जाते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य वाहन को धीमा करने के लिए, उसको रोकने के लिए या उसको रोक करके रखने के लिए किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के ब्रेक होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक हैं, पावर ब्रेक, और इसके अलावा एयर प्रेशर ब्रेक, जिनके के बारे में अभी बताया आपको, ABS के बारे में, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जिसको कि वाहन फिसलने न पाए, अस्थिर न होने पाए और अच्छे से ब्रेक लग सकें, उनका इस्तेमाल किया जाता है।
ये जो अभी हमने प्रशिक्षण दिया उसमें आप इसको ऑटोमोबाइल फंडामेंटल टीटीएफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स की बुक है, उसमें से भी जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ऑटोमोबाइल थ्योरी केबी लाल जो अरिहंत प्रकाशन के द्वारा है, उसमें से भी पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में जाना जा सकता है। आज हमने आपको ब्रेक सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान किया, आशा है कि यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।